नमस्कार दोस्तों, मैं गिरधारी आप सभी का गुरु मंत्र पर स्वागत करता हूँ। आज हमारा ल्यूसेंट सीरीज का पार्ट 11 है, तो चलिए देखते हैं पार्ट 11 में क्या है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, गिद्धा इज द फेमस डांस ऑफ व्हिच स्टेट। गिद्धा जो है किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है, तो ये कौन से राज्य है? उत्तर पंजाब है। पंजाब का गिद्धा जो है एक फेमस डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच सिटी इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। वह कौन सा शहर है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है? हमारे पास ये जो तीन और चार ऑप्शन है, इनमें से वो कौन सा शहर है? तो उज्जैन जो है हमारा मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध शहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन मिस यूनिवर्स। भारत की वह प्रथम महिला कौन है जिसे मिस यूनिवर्स का खिताब से खिताब मिला था? तो वह महिला है सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन जो है उनको मिस यूनिवर्स का खिताब मिला था। किस वर्ष मिला था? तो ये 1993 में मिला था मिस यूनिवर्स का खिताब सुष्मिता सेन को। अगला क्वेश्चन है, द गवर्नर ऑफ स्टेट कैन नॉट बी यूज हिज पावर इन विच। किसी भी राज्य के गवर्नर जो है वो अपना पावर इन इन में से किस क्षेत्रों में अपना पावर यूज नहीं कर सकते हैं? तो वो पावर जो यूज नहीं कर सकते, सेकंड नंबर है इम्पोजिंग इमरजेंसी इन स्टेट। कोई भी राज्य के राज्यपाल जो है अपने राज्य में इमरजेंसी लागू नहीं कर सकते हैं, वो बस एडवाइज कर सकते हैं, राष्ट्रपति को सिर्फ सलाह बता सकते हैं कि हमारे राज्य में आप जो है इमरजेंसी लगाइए, बट वो खुद से नहीं लगा सकते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है सेकेंड वन, इम्पोजिंग इमरजेंसी इन स्टेट कैनॉट बी यूज बाय गवर्नर ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाज लॉन्च्ड इन व्हिच ईयर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 2000 में शुरू किया गया था, जब भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उस समय यह ग्राम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकेट इज अ डिफिशियंसी डिजीज ऑफ विटामिन डी। रिकेट एक बीमारी है जो कि विटामिन डी की कमी से होता है, और इसमें से इनके कारण कौन सा पार्ट है शरीर का जो इफेक्टिव होता है? तो वो पार्ट है बोन। रिकेट्स की बीमारी के कारण क्या होता है? बोन में वीकनेस आ जाती है। विच स्फीयर इज कंसीडर एज आइडियल फॉर फ्लाइंग द फ्लाइंग जेट। हमारे जो फ्लाइंग जेट्स होते हैं उनके उड़ने के लिए कौन सा ऐसा स्फीयर है, कौन सी ऐसी लेयर है? हमारे पृथ्वी के ऊपर कई सारे स्फीयर्स हैं, तो उनमें से वो कौन सा स्फीयर है जो कि एयरक्राफ्ट उड़ने के लिए बहुत ही आदर्श माना जाता है? तो वह है स्ट्रेटोस्फीयर, जिसकी रेंज कितनी होती है? 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नॉट अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। इनमें से चार ऑप्शन में से ये कौन सा ऑप्शन सही होगा जिनको गवर्नर के द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता है? तो एसएसपी हो, एसएसपी को गवर्नर के द्वारा क्या होता है? अपॉइंट नहीं किया जा किया जाता है। एसएसपी को गवर्नर के द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म आईसी। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन हीलियम एटम्स लूजेज एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स। हीलियम एटम जब कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो क्या होता है? जब आप किसी को कोई पैसा दे रहे हो, कुछ देते हो, तो वो लेने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या हो जाता है? कर्जदार हो जाता है, यानी कि ऋणात्मक हो जाता है, और देने वाला क्या हो जाता है? धनात्मक हो जाता है। सेम इसी प्रकार एटम्स में होते हैं, जब कोई एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन या लीव करता है तो वो क्या हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो क्या होगा? राइट आंसर नंबर थ्री, हीलियम क्या हो जाते हैं? हीलियम की एक वैलेंसी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। कोई व्यक्ति मायोपिया से सफर कर रहा है, ग्रस्त है, तो उसे डॉक्टर कौन सी लेंस यूज करने को एडवाइज करते हैं? तो वो होते हैं कनकेव लेंस। डॉक्टर उन्हें कनकेव लेंस यूज करने की एडवाइस देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गिव द स्लोगन बैक टू द वेदास। वेदों की और लौटो, ये नारा किसने दिया था? ये किसने कहा था कि वेदों की और लौटो? तो ये कहे थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। व्हिच डे इज ऑब्जेक्ट एज अ इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। विश्व अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर 1859 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, और इन्हीं के जन्म तिथि पे विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ओनियन, ओनियन में वह कौन सा पार्ट है जो कि खाने योग्य होता है, जिसे हम खाते हैं? तो ओनियन में स्टीम जो कि तना होता है, तना को हम क्या करते हैं? खाते हैं। विथ विच प्रोग्राम द स्लोगन दो बूंद जिंदगी की, दो बूंद जिंदगी की जो नारा है यह किससे संबंधित है? तो यह है पल्स पोलियो। पल्स पोलियो से दो बूंद जिंदगी की नारा जो है संबंधित है। कालीबंगा इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कालीबंगा किस शहर में स्थित है, कहाँ किस राज्य में है? तो कालीबंगा जो है राजस्थान में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज शांति स्वरूप भटनागर प्राइज। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है उत्कृष्ट कार्य के लिए? ये साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है उत्कृष्ट कार्य के लिए शांति स्वरूप भटनागर प्राइज। ऑप्शन नंबर टू इज अ राइट आंसर। विच प्लैनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रेड प्लैनेट। वह कौन सा ग्रह है जिसको हम लाल ग्रह के रूप में जानते हैं? तो वह है मार्स, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? मंगल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह क्या है? लाल ग्रह। इन विच फील्ड बी सी रॉय अवार्ड, किस क्षेत्र में बी सी रॉय अवार्ड दिया जाता है? तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? मेडिकल के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच कंट्री इंडिया हैज लॉन्गेस्ट बॉर्डर। भारत अपने किस पड़ोसी मुल्क के साथ सबसे बड़ी लंबी सीमा साझा करता है? तो वो कौन से कंट्री है? बांग्लादेश है, जिसके साथ भारत ऑलमोस्ट 4000 से किलोमीटर से ज्यादा की जो सीमा रेखा है वो साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर ऑल इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक, किस वर्ष ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। इनके संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जो थे इनके संस्थापक थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे ऑल इंडिया नेशनल फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेयर ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल देखा होगा, कैप्सूल के ऊपर में लाल हरा कई रंग बिरंगे लेयर्स बने होते हैं जिसके अंदर में दवाएं होती है। तो वो जो लेयर बना होता है वो लेयर किसकी बनी होती है? वो लेयर बनी होती है स्टार्च की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विन सिटी जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? तो जुड़वा शहर के रूप में किसे जाना जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। विच कंट्री इज कम एट द फर्स्ट रैंक इन मिल्क प्रोडक्शन। दूध के उत्पादन में कौन सा कंट्री है जो कि पहले स्थान पे? तो वह है इंडिया। भारत जो है दूध के उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान पे है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। बांदीपुर बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, थॉमस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे होम। फिर कल मिलेंगे पार्ट 12 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।